तो क्या हालचाल, उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे। यार ये दुनिया ना धीरे धीरे बेकार होती जा रही है और इस दुनिया को बेकार करने में ढिंचक पूजा का बहुत बड़ा हाथ है। अभी कुछ दिन पहले ढिंचक पूजा का एक नया गाना आया है, खैर गाना तो नहीं है, एक राइमिंग पोयम आई है। तो अपने कानों में जहरीला वायरस भरने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या है, ये पेड प्रमोशन चल रहे हैं और इससे तो कोई नैनो का भी प्रमोशन नहीं करवाएगा। गाड़ी मेरी टू सीटर, अरे भैया इतनी खतरनाक स्टार्ट। गाड़ी मेरी टू सीटर, पहली बात तो वो तेरी गाड़ी नहीं है, वो भाड़े की गाड़ी है। उसमें लगा है एक हीटर। अबे इस खुल्लम खुल्ला गाड़ी को हीटर की क्या जरूरत है। पहली बात तो सुन, अगर वो हीटर टेस्ला कंपनी का भी होगा ना तो कोई काम का नहीं रहेगा। पर चलाता है उसको पीटर। अरे यार कोई पानी लाओ यार। देखो इसकी आंखों में आंखें डाल के देखो, तुम्हें लगता है कि ये इसकी भाड़े वाली गाड़ी चलाता होगा। स्पीड का टूट गया मीटर। सच बताऊं तो ये लाइन मेरे पार गई है। स्पीड का टूट गया मीटर। ये कहां की साइंस है। लो अब ट्यूटोरियल भी दे रही है। गाड़ी मेरी चलती जा। ओ मैडम जी कौन से जमाने में जी रहे हो, गाड़ियाँ सबकी चलती हैं। इनको लगता है इसमें भी कोई यूनिक चीज है इनके पास। किसी के भी हाथ ना। ओ मैडम जी पहले डिसाइड करो गाड़ी है या रॉकेट, और वैसे गाड़ी किसके हाथ में आ सकती है, कुछ टॉय कार थोड़ी ना खेल रहे हो तुम। सिग्नल मुझको नजर ना आए। तो ये तुम्हारा समस्या है। इसमें तो नशा मुक्ति केंद्र भी मदद नहीं कर सकता, तुम्हें तो अपने आँख का इलाज ही करवाना पड़ेगा। जो भी देखे देखता जाए। यार ये इसकी टीम में कौन कौन बंदे हैं, पहले तो उनको बैन करो। और साउंड किसने दिए इसके लिए। इससे अच्छा तो इसके गाने सुन लो। है गाड़ी मेरी टू सीटर, उसमें लगा है एक हीटर, चलाता है उसको पीटर, पीट का टूट गया मीटर। ये देखो ये स्पाइडरमैन भी बेरोजगार हो गया क्या। यार मेरी तो समझ के बाहर है, अगर ये पीटर है तो ये क्या है। देखो यार इसमें ढिंचक पूजा की भी कोई गलती नहीं है, उसको कुछ ना कुछ गाना तो निकालना ही निकालना है। और ऐसे ही देखो कितने व्यूज ले जाती है, एक हफ्ते के अंदर अंदर 36 लाख व्यूज। लॉन्ग ड्राइव पर जब मैं जाऊं, ढिंचक पूजा के गाने चलाऊं। ये मजबूर है आप नहीं। अरे पागल है क्या, लॉन्ग ड्राइव कब शॉर्ट ड्राइव में बदल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। खाई में नीचे करेंगे सीधा ऊपर जाएंगे। ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबाऊं, अगले दिन टीवी पर आऊं। सच्चाई बोली है इसने, अगर लॉन्ग ड्राइव पे ढिंचक पूजा के गाने सुनोगे तो यही हाल होगा, ब्रेक और एक्सीलेटर में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबाऊं। ओ चौथी फेल मैडम। ढिंचक पूजा क्या बचपन में सर के बल गिरी थी, पहले देख तो ले क्या दबा रही है। देखो यार जितनी मेरी गाड़ी की नॉलेज है ना वैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी है ना मेरे हिसाब से इसने ब्रेक ही दबाया है। और रही बात टीवी पर आने की, गौर से देखिए इस झंडाली चुड़ैल को, इसके गानों ने एक खतरनाक वायरस बनाया है। ये वायरस आपके कानों में भी हो सकता है, शिकार बन रहे हैं मासूम लोग, और इसके बावजूद भी बेपरवाह है प्रशासन। ये धनचक्कड़ वायरस बहुत भयंकर फैल रहा है, जिसके खौफनाक खेल ने हजारों जिंदगियों को डाल दिया है खतरे में। ढिंचक का ये ढिंचकरा ना जाने आज तक कितने लोगों को कितनी मुसीबत में डाल चुका है, लेकिन हैरत की बात तो ये है कई बार फटके खाने के बावजूद भी ये खेल सालों से जारी है। भंट पटाखा न्यूज में आज इतना ही, आप भी हो जाइए सतर्क ताकि ये ढिंचक वायरस खत्म हो सके। मेरी टू सीटर, उसमें लगा है एक हीटर, चलाता है उसको पीटर, पीट का टूट गया मीटर। ओहो हो स्वैक्स्टर पूजा। है पुलिस की गाड़ी पीछे आए, ऑटोग्राफ लेकर जाए। अब तो कंफर्म हो गया ये चौथी फेल है, अबे वो चालान के पेपरों पे साइन करवा रहे थे उसको ऑटोग्राफ समझ रही है। जो भी मुझको नजर लगाए, अगले दिन वो नजर ना आए। देख पहली बात तो ये तेरी गलत फहमी है, कोई तेरे को नजर नहीं लगा सकता, तेरे को तो नजर उतारने के लिए रखा जाता है।
कितना अच्छा लगता है ना कि गाड़ी के सामने एक बंदा खैनी रगड़ रहा है। पक्का डायरेक्टर को चोर बाजार से उठा के लाए हैं। है गाड़ी मेरी टू सीटर, उसमें लगा है एक हीटर। और बताओ भाई कैसे हो? बस बढ़िया, तुम बताओ। और बताओ बीवी बच्चे कैसे हैं? अरे यार बीवी का नाम मतलब पर चलाता है उसको पीटर, पीट का टूट गया मीटर। इसको सही में कोई दिक्कत है क्या? कभी कहती है पीटर गाड़ी चला रहे, अब तो ये खुद ही ड्राइवर सीट पे बैठ गई है। जब भी मैं सड़क पर निकलूं सारी खटारा साइड हो जाए। तो फिर तू क्यों साइड नहीं हुई? मस्त जोक मारा रे, हंस रे हलकट हंस। जो भी मेरी गाड़ी में बैठे रातों रात फेमस हो जाए। ओ मैडम, पहली बात तो ये स्पाइडरमैन यहाँ की ब्रीड नहीं है, वो ऑलरेडी फेमस है। और रातों रात फेमस होने की जो बात है ना, पहले तू अपने आप को फेमस कर ले। ओह नो। और फिर एक बार ढिंचक पूजा के स्वैग के साथ ये कहानी भी खत्म हो गई। देखो यार, एक बात तो पक्की है, ढिंचक पूजा गाने बनाती रहेगी क्योंकि उसे पंगे लेने की तलब मचती रहती है। और हम लोग भी बनाते रहेंगे उस पे वीडियो क्योंकि हमें कंटेंट निकालना है। इसलिए ज्यादा दिल पे लेने की बात नहीं है, इसको यहाँ सुनो और फिर भूल जाओ। और अगर हाँ तुमको वीडियो पसंद आया तो यार लाइक मारो और शेयर भी करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना क्योंकि यार मैं मस्त मस्त कंटेंट बना रहा हूँ। और अगर तुम्हें देखना है तो यार घंटा भी बजा देना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आजकल हमारे कान बहुत दुखने लग गए, चलो इन्हीं से पूछ लेते हैं, आपको गाना बनाते वक्त क्या आता है? सूसू। तो मतलब आप गाने के नाम पे फालतू का एक वायरस छोड़ रही हैं, आपको शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? नहीं, इसमें शर्माने का क्या, अभी थोड़ी टाइम बाद वैक्सीन भी आ जाएगी इसकी। हे हे हे। ना मेरे को कॉल करी, एकदम से उसने उसकी बात छेड़ी। वो बंदी सच मेरे को यूज कर रही थी, वो बंदी सच मेरे को यूज कर रही थी। इतना अट्रैक्शन सी, बिल्कुल फीलिंग बन रही थी, समझ रही थी मतलब। श्वेता श्वेता श्वेता।